जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। आज हम एक ऐसे मामले से जुड़ी हुई चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी भी हैं। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को भारी ठंड में भी पसीने से तरबतर कर देने वाला लोकायुक्त में बैठा एक ऐसा अधिकारी रीवा संभाग में आ चुका है जिसने नाक में दम करते हुए अपना ऐसा दमखम दिखाया है कि 500 से लेकर लाखों तक की रिश्वत की तमाम छोटी बड़ी डीलिंग करने वाले अब पकड़ में आते जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यकीन मानिए तो हफ्ते में एक दो या महीने भर में ऐसे रिश्वतखोरों के लिए अखबार के पन्ने में कुछ जगह रिजर्व कर देनी चाहिए जिसमें लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के नाम के साथ एक भ्रष्टाचारी की तस्वीर लगाई जा सके। आप यूं समझिए कि दंगल फिल्म का वो गाना इनके क्रियाकलापों से सार्थक होता दिख रहा है जिसमें धाकड़ है गाना लगाया गया था। इन्होंने कसम खा ली है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आइए एक एक करके लोकायुक्त एसपी की पीटम पीट कार्रवाई की चर्चा भी कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में लोकायुक्त एसपी ने तत्कालीन डीएसपी और वर्तमान में जबलपुर में पदस्थ एआईजी रामखेलवान पटेल, डीएसपी नाथ सिंह बघेल के साथ ही सीधी जिले के कई छोटे बड़े अधिकारियों कर्मचारियों समेत धाकड़ की धमक दिखा दी है। डीएसपी नाथ सिंह बघेल के साथ ही सीधी जिले के कई छोटे बड़े अधिकारियों समेत कर्मचारियों पर अपनी धमक दिखाई है और मामले दर्ज कर लिए हैं। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायत विभाग जैसे कई और विभागों पर लोकायुक्त के छापों पर छापे ये दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार से सरकारी महकमे पटे पड़े हैं। शिवराज सरकार में अधिकारियों की मटर गस्ती और मौज का ही परिणाम है कि थोक के भाव में भ्रष्टाचारी लगातार पकड़ में आ रहे हैं। भरे मंच पर माइक से निलंबन की चिट्ठी देने वाले सीएम शिवराज अपने अधिकारियों को मंच से सुधरने की हिदायत देते देखे तो जाते हैं, लेकिन ये सरकारी सिस्टम की ये बिगड़ी औलादें सीएम शिवराज के दावों को हवा हवाई साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमारे यहाँ जो प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण जो प्राथमिक रूप से जो फरियादी शिकायत करते हैं उनकी जांच होती है, उसमें काफ़ी अधिकारी और विभाग के जो भिन्न भिन्न विभाग हैं उनके अधिकारियों की जांच चल रही थी। उस प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण के आधार पर जो है कुछ अधिकारियों पर लोकायुक्त रीवा के द्वारा भी FIR की गई है। उसमें जो क्रमशः नाम है नरेश सिंह चौहान है, ये जो है उस समय आरक्षक थे, अभी ASI हैं जिला CD, इनके खिलाफ FIR की गई है आय से अधिक संपत्ति की। रोज राकेश कुमार जैन सहायक इंजीनियर नगर पालिका निगम सिंगरौली में है, अभी भी वहीं पदस्थ हैं, इनके खिलाफ भी जो है FIR की गई है। मोतीलाल कुशवा शाखा प्रबंधक बैंक मुख्यालय क्षेत्रीय शाखा मड़वास जिला सहकारी बैंक जिला CD, ये प्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक, इन पर भी आय से अधिक संपत्ति की FIR हुई है। मोहित तिवारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खोचीपुर विकास संघ सिहावल जिला CD, इन पर भी FIR की गई है। राम खिलावन पटेल ये जो है DSP थे पुलिस में CID में, अभी जो है AIG हैं जबलपुर संभाग साइड IG कार्यालय जबलपुर में, इनके खिलाफ भी FIR की गई है आय से अधिक संपत्ति की। नाथ सिंह बघेल ये भी DSP हैं, इनके खिलाफ भी जो है वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं इनके खिलाफ FIR की है। इन सभी इसमें एक एडिशनल SP हैं, एक DSP हैं और बाकी जो मैंने पदों बताया विभिन्न विभिन्न विभागों के 8 लोगों पर जो है अभी हमने आय से अधिक संपत्ति पद के दुरुपयोग के मामले जो है जांच में पाए जाने पर से FIR की गई है। इसमें हम अपराध पंजीयन पर आगे विवेचना कर रहे हैं। UOW ने इन मामलों में UOW की मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। फिलहाल जाते जाते रीवा में एक और भ्रष्टाचारी महिला अधिकारी की अगर बात नहीं करेंगे तो नाइंसाफी आप जैसे दर्शकों के साथ होगी। लगभग 90 से 100 पंचायतों का कार्यभार संभाल रही है महिला अधिकारी लालच के लोटे में अपनी ही लुटिया डुबोती नजर आ चुकी है। आपको बता दें कि अपने ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों से रिश्वत की रोटी सेंकने की फिराक में यह महिला अधिकारी थी। खैर 5,000 की रिश्वत लेते रीवा जनपद में पदस्थ ये महिला अधिकारी जिसका नाम विजय लक्ष्मी मरावी बताया जा रहा है अब पकड़ में आ चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।